हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मिलन ट्रेक के बारे में। तो दोस्तों सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आपके पास स्मार्टफोन है, नेट है, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम के द्वारा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से आपको वर्क करना है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से जाके आप हमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। और इसको अगर आपको ज्वाइन करना है मिलन ट्रेक को, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी से फटाफट आप अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करिए, आपको पर्सनली हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसी तरीके की वीडियो मैं अपने इस चैनल पर बनाता रहता हूँ, जिसे देख के लोग आराम से अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अर्निंग करते रहिए दोस्तों, मेरे को बहुत खुशी होती है। और दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस पे वर्क करना है। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो मोटरसाइकिल चलानी है तो आपको सबसे पहले उसको चलाना सीखना होगा। तो अगर आपको मिलन ट्रैक ज्वाइन करना है, तो मिलन ट्रैक में ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, मिलन ट्रैक ज्वाइन करने के बाद में आपको कुछ इसमें सीखना होगा, जिसके द्वारा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने इस वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से आपको वर्क करना है सब कुछ इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोफाइल होती है ना दोस्तों, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इसमें, तो अपनी प्रोफाइल को बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से इसमें बना के रखना है, ठीक है। पहला काम तो ये अपना ये हो गया। इसमें किस तरीके से आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, डिजिटल क्रिएटर इस तरीके से आपको डालना है, और यहाँ पे नीचे स्टार्ट वर्क फॉर योर सेल्फ, इसके नीचे आपको अपनी एफिलिएट लिंक दे देनी है। एफिलिएट लिंक कैसे देनी है, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ। यार देखो आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप अपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपना एफिलिएट लिंक लेना है, इसमें से अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो आपको जो यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन आ रहा है साइड में कोने में, इस पर क्लिक करना है, माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, वापस डैशबोर्ड पर आ जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद में क्या करना है आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिंक को यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ पे अपने लिंक कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने लिंक शॉर्टनर की हुई है बिटली से, तो इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है। तो आप भी बिटली के द्वारा लिंक शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके पूछ लेना, मैं एडवांस में उसके बारे में आपको जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अपनी प्रोफाइल को अच्छी खासी बना सकते हो, जिसके द्वारा आप, और इसमें आपको क्या करना है, अपना पर्सनल खुद का वीडियो डालना है, और किस तरीके से इस तरीके से आपको अच्छे अच्छे पोस्ट डालना है, जिन्हें देख के लोग आराम से आपके बारे में जान सके, ठीक है। इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया, तो अपने इंस्टाग्राम आईडी को भी ज़रूर फॉलो करें, डिजिटल पवन कुमाऊत के नाम से अपनी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। इस तरीके से इसमें आपको ये करना है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी पोस्ट है, मान लीजिए जैसे ये पोस्ट है, इसको ये कोई भी, अब जो आपके नीच के अकॉर्डिंग है ना, उन पोस्ट को लाइक कीजिएगा, ठीक है। जैसे जयपुर राजस्थान कर दिया इसमें, और यहाँ पे ये डालना है। आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे सर्च पर गए, लीड कैसे लेनी है आपको वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। किस तरीके से आपको इसमें अर्निंग करना है वो बता रहा हूँ, ज्वाइन करने के बाद में आपको कैसे अर्निंग करना है ना, तो जो भी आपका पैलेस है वो आपको इसमें डाल देना है। और यहाँ पे रिसेंट पे क्लिक करना है, जैसे आप रिसेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके रिसेंट में जो पोस्ट हुई है वो पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना है उन पोस्ट को लाइक, ठीक है। जैसे 15 सेकंड पहले अपलोड हुई है, ये 23 सेकंड पहले हुई है, तो इनसे होगा क्या दोस्तों, इनसे ये होगा कि ये आपकी पोस्ट आपके लाइक को देखेंगे, आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे। अगर उनको प्रोफाइल अच्छी लगी कि यार ये किस तरीके से अर्निंग करते हैं, तो मतलब मेरे को भी अर्निंग करना है, तो ये जैसे आपकी प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे देखा फॉलो टू फॉलो,
क्या है यार, ये देखते हैं, लिंक पे क्लिक किया या आपको कॉल करके पूछेंगे, ठीक है, या आपकी प्रोफाइल है, इनको देख के उनको लगेगा यार बंदा अच्छा है यार, काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पर वर्क करना है, ठीक है। और मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे ये तो हुआ तरीका, और दूसरा ये है आपको अपनी रील्स अपलोड करना है दोस्तों। इस पर आपको क्या करना है, अपनी रील्स अपलोड करना है, बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको, अपनी यहाँ से रील्स अपलोड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रील्स अपलोड करें ताकि आपको अच्छी अर्निंग होगी। और फेसबुक को ओपन करके मैं फेसबुक के बारे में बता देता हूँ, फेसबुक पे किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो दोस्तों आपको फेसबुक में जैसे कोई भी ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कोई भी ग्रुप हो जाना, जो भी एफिलिएट मार्केटिंग के ग्रुप हो उनको ज्वाइन कर लेना है। और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करना है, कम से कम 5 पोस्ट डालनी है डेली, ठीक है। इस तरीके से आपको पोस्ट बना लेनी है कैनवा में। अगर आपको पोस्ट बनाने का भी सीखना है तो आप हमें नीचे कमेंट करना, अगला वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप नंबर आपका जो भी है वो डाल देना है, और यहाँ पे नीचे आपको हैशटैग फोटोग्राफी या जो भी ट्रेंडिंग है वो डाल देना है, फोटोग्राफी रेफरेंस इस तरीके से आपको डाल देना है। तो दोस्तों इससे होगा कि आप जो भी लोग आपकी मतलब प्रोफाइल को विजिट करेंगे, जिससे मैं आपको बताया अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से अच्छी खासी बनाना है, ठीक है, और ताकि देखने में यार थोड़ा अट्रैक्टिव लगे हो ना, और क्लिक करके लोग देखें आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। और चलिए आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इसका ज्वाइन करने का लिंक आप मैंने नीचे दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।